हेलो एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल बायोलॉजी साइट्स इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टिश्यू इस वीडियो में हम टिश्यू के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं तो आइए जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं पहला हम बात करेंगे व्हाट इज़ टिशू टिश्यू क्या होता है सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ टिशू टिशू के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं या फिर टिशू के कितने प्रकार होते हैं थर्ड इज़ डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिशू एंड एनिमल टिश्यू इस वीडियो में हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू के बारे में क्या क्या अंतर होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं तो आइए जानते हैं द सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ जो सेल है हमारा वो हमारी लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एक यूनिट होता है हम जानते हैं कि सेल जो होता है एक छोटी यूनिट के नाम से भी जाना जाता है जिससे हमारी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है इवरी ऑर्गेनिज्म इज ऑफ सेल्स प्रत्येक जो जीव होते हैं वो किससे बने हुए हैं सेल्स से मतलब कि कोशिका से मिलकर बने हुए हैं सेल्स कम्बाइंड टू फॉर्म टिशू मतलब कि एक से अधिक कई सारे सेल मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं द टर्म टिश्यू वॉज क्वाइन बाई जैवियर बिचैट इन सेवनटीन नाइन्टी टू जो टिशू टर्म है वो कहाँ से आया किसके द्वारा आया है तो वो आया है जैवियर बिचैट नाम के एक साइंटिस्ट द्वारा जो जिन्होंने सेवनटीन नाइन्टी टू में टिशू का टर्म दिया था द स्टडी सेल इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी सेल की स्टडी या फिर टिशू की स्टडी को हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी द प्लांट एंड एनिमल टिश्यू फॉर्म टिश्यू प्लांट सेल और दूसरे के साथ जुड़कर क्या फॉर्म करते हैं टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं मतलब कि बहुत सारे सेल आपस में कम्बाइन होकर प्लांट टिश्यू का या फिर एनिमल टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं अब बात करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में द प्लांट टिश्यूज प्रेजेंट इन द प्लांट इस्ड प्लांट टिश्यू प्लांट के अंदर जो सेल्स पाए जाते हैं या फिर टिश्यू पाए जाते हैं उनको बोलते हैं प्लांट टिश्यू द प्लांट टिश्यू इज टू टाइप्स प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है दो तरह से दो प्रकार से मैरिस्टमैटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू का चार्ट हम देख लेते हैं कि मतलब कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन इनके हुए हैं तो क्या है प्लांट टिश्यू

अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पर्मांट टिश्यू की कॉम्प्लेक्स पर्मानेंट टिश्यूज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स जाइलम एंड फ्लोयम तो इस वीडियो में हम पहले हम मैरिस्टमैटिक टिश्यू पढ़ेंगे देन उसके टाइप्स एपिकल मेरिस्टम लेटरल मेरिस्टम एंड इंटर कैलरी मैरिस्टम के बारे में डिटेल स्टडी करने वाले हैं और नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आइए देखते हैं फर्स्टली हम बात करते हैं मैरिस्टमेटिक टिश्यू की द मेरिस्टमैटिक टिश्यू डिवाइडेड कंटिन्यूसली एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गोर्थ ऑफ द प्लांट मैरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है वो मेनली क्या करता है ये हमेशा डिवाइड होता रहता है कंटिन्यूसली डिवाइड होता है मतलब कि विभाजित होते रहता है एंड ये क्या करता है हेल्प करता है मतलब कि सहायता करता है कि इसमें इंक्रीजिंग द लेंथ लेंथ को बढ़ने में एंड प्लांट के ग्रोथ को बढ़ने में मतलब कि मोटापा या मोटाई को बढ़ने में अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स मैरिस्टमैटिक टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैविंग अ थीन वॉल ऑफ सैल्यूलोज जो मैरिस्मैटिक टिश्यू के सेल होते हैं वो किस 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 सेल वॉल के बने हुए होते हैं सेल्यूलोज के दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर हैविंग अ थीन वॉल ऑफ सेल्यूलोज जो मैरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो सेल्यूलोज नाम के सेल वॉल से बने हुए होते हैं और जो इनकी सेल वॉल होती है वो बहुत ही ज़्यादा पतली होती है दे मे बी स्फेरिकल ओवल पॉलीगोनल रेक्टेंगुलर इन शेप जो uh, मैरिस्मेटिक टिश्यू के सेल्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं स्पैरिकल शेप के ओवल शेप के पॉलीगो पॉलीगोनल शेप के रेक्टेंगुलर शेप के द मैरिस्टमैटिक टिश्यूज कंटेन अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मतलब कि मैरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है वो बहुत ही सारे बहुत ही ज़्यादा सेल्स से बना हुआ होता है दे आर कम्पैक्टली अरेंजड वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा चिपक के अरेंज होते हैं मतलब कि कम्पैक्ट होते हैं थोड़ा सा उनके बीच में स्पेस नहीं होता है इसलिए कहा जा रहा है कम्पैक्टली अरेंज्ड तो अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ मैरिस्टोमैटिक टिश्यू की कि मैरिस्टोमैटिक टिश्यू फंक्शन क्या करता है तो मैरिस्टोमैटिक टिश्यू एक्ट एज अ पेरेंट टिश्यू जो मैरिस्टोमैटिक टिश्यू होता है वो क्या करता है एज अ पेरेंट टिश्यू मतलब कि मुख्य टिश्यू की तरह काम करता है फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप जहाँ पे टिश्यू डेवलप करता है वो वहाँ पे मैरिस्टोमैटिक टिश्यू एक पेरेंट टिश्यू की तरह काम करता है द मैरिस्टोमैटिक टिश्यू टेक पार्ट इन ग्रोथ बाय द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल मैरिस्टोमैटिक टिश्यू क्या करता है टेक पार्ट इन ग्रोथ ग्रोथ में ये क्या होता है इसका मेजर रोल प्ले होता है कि ये प्लांट का ग्रोथ करवाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल जैसे जैसे सेल का फॉर्मेशन होगा जैसे जैसे नए नए सेल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे प्लांट का ग्रोथ होता जाता है विद द हेल्प ऑफ मैरिस्टमेटिक टिश्यू प्लांट कंटिन्यू टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स ब्रांचेस रूट्स एंड फ्लावर्स एक्सेट्रा हम जानते हैं कि जब सेल धीरे धीरे जैसे जैसे सेल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे प्लांट ग्रोथ करता जाएगा और जब प्लांट ग्रोथ करेगा तो उसमें पत्तियाँ शाखाएँ रूट्स मतलब कि जड़ें और फ्लावर सुंदर सुंदर फूल हमको दिखाई देते हैं नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैरिस्टमैटिक टिश्यू की तो मैरिस्मैटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं तो अभी मैंने पढ़ा था क्लासिफिकेशंस में कि इसके तीन टाइप्स ता, होते हैं थ्री टाइप्स होते हैं एपिकल मैरिस्टम इंटर कैलरी मैरिस्टम एंड लेटरल मैरिस्टम तो अब इनके बारे में बात करते हैं एपिकल मैरिस्टम मतलब इंक्रीज हाइट ये ऊपर के एरिए की हाइट को इंक्रीज करता है इंटर कैलोरी मरिस्टम मतलब इंक्रीज इंटर नोड ऑफ लेंथ मतलब की बीच के हिस्से को ये क्या करता है इंक्रीज करता है इसके इसका ग्रोथ करवाता है और लेटरल मरिस्टम इंक्रीज गर्थ गर्थ मतलब कि नीचे साइड में लेटरल साइड में ये क्या करता है मोटापे को बढ़ाता है कौन लेटरल मरिस्टम अब बात करते हैं मैस्मेटिक टिश्यू के टाइप्स के फर्स्ट टाइप के बारे में एपिकल मैस्मेटिक टिश्यू इट इज सिचुएटेड एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है टिप पे स्टेम के और रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है यहाँ देख सकते हैं एपिकल मरिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है और एपिकल मरिस्टम नीचे रूट में प्रेजेंट है द एपिकल मरिस्टम विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ स्टेम कंस्टिट्यूट शूट अपेक्स अगर ये स्टेम में प्रेजेंट है टिप स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं शूट अपेक्स या इसको बोलेंगे शूट अपेक्स और द एपिकल मरिस्टम विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ रूट कंस्टिट्यूट रूट अपेक्स अगर ये रूट के टिप पे प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे रूट अपेक्स स्टेम के टिप पे प्रेजेंट है तो शूट अपैक्स और रूट के रूट के टिप पे प्रेजेंट है तो इसको बोलेंगे रूट अपैक्स एपिकल मेरिस्टेम इज ऑल्सो फाउंड इन द एपिसेस ऑफ द लीब्स ये जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो लीब्स के एपिसेस पे ठीक है प्रेजेंट होता है अब सेकेंड है इंटर कैलरी टिश्यू इट इज टाइप ऑफ प्राइमरी मेरिस्टमैटिक टिश्यू कंटेनिंग सेल दैट डिवाइड डिवाइड एंड प्रमोट द्रोथ ऑफ़ द प्लांट ये क्या होता है ये प्राइमरी मेस्ट्रेडिक टिश्यू का एक टाइप होता है जो क्या करता है सेल को कंटेन करता है हम जानते हैं कि टिशू हमारा सेल से ही बनता है तो इट मींस कि सेल कंटेन करेगा और जैसे जैसे सेल डिवाइड होते हैं तो इनका क्या होता है ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट पौधे का जो ग्रोथ होता है वो प्रमोट करता है जैसे जैसे सेल बढ़ेगा वैसे वैसे प्लांट का ग्रोथ होगा दे आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द इंटरनोट्स ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो ये इंटर नोट के बेस पे प्रेजेंट होता है मतलब कि बीच वाले मध्य हिस्से में प्रेजेंट होता है लेंथिंग ऑफ द स्टेम एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट ये क्या करता है लेंथिंग ऑफ द स्टेम मतलब कि स्टेम की लेंथ को बढ़ाता है बीच में से स्टेम जो है तने के लेंथ को ठीक है लंबाई को बढ़ाता है इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट ठीक है और ये प्लांट की हाइट को भी इंक्रीज करता है नेक्स्ट है लेटरल मैरिस्मैटिक टिश्यू इट इज़ प्रेजेंट इन द लेटरल साइड ऑफ द स्टेम एंड रूट ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है स्टेम और रूट की लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटरल मैरिस्मैटिक टिश्यू, जो कि क्या करता है इंक्रीज गर्द मतलब कि मोटापे को बढ़ाता है थिकनेस को बढ़ाता है द फंक्शन ऑफ लेटरल मैरिस्मैटिक इज टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट ये क्या करता है लेटरल माइस्टम जो होता है वो प्लांट के थिकनेस को इंक्रीज करता है बढ़ाता है ठीक है इसके मोटापे को बढ़ाता है